जी न्यूज़ द्वारा आयोजित वाइब्रेंट राजस्थान के इस बहुत ही खूबसूरत और सामाजिक सरोकार से जुड़ा ये कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और बीज निगम के अध्यक्ष सम्माननीय धीरज गुजर साहब, राजस्थान सरकार में बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे पूर्व मंत्री और मालवीय नगर से विधायक सम्माननीय कालीचरण सराप साहब, हमारे हेरिटेज नगर निगम जयपुर की महापौर साहिबा श्रीमती मुनेश गुजर जी, जी न्यूज चैनल के सीनियर एडिटर सम्माननीय आशीष दवे जी, एडिटर मनोज माथुर जी, शशि मोहन जी और हमारे टूरिज्म को जो कवर करते हैं जू न्यूज के पत्रकार दामोदर बैरवा जी, इस कार्यक्रम में जो अलग अलग क्षेत्रों में सम्मानित हुए हैं वो सभी सम्मानित होने वाले महानुभावगण और जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है, क्योंकि सम्मानित होने वालों से ज़्यादा हमने, और ये बात सही भी है कि बिना रुपया कुछ होता नहीं है, तो सारे स्पॉन्सर जो इससे सहयोग किया जिन्होंने तन से मन से और धन से, और इस पंडाल में विराजमान सभी भाइयों बहनों नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और मंच की तरफ से इस कार्यक्रम में जो यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं वो, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी लोग देश में प्रदेश में, और अब तो चूंकि एक आईटी की ऐसी क्रांति आ गई कि पूरी दुनिया भी इस कार्यक्रम को देख रही होगी, तो उन सभी दर्शकों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज चेटीचंड है, आज भगवान झूलेलाल जी का जन्मोत्सव है, नवरात्रा का आज दूसरा नवरात्रा है, और विक्रम संवत या नववर्ष जो हिंदू नववर्ष है 2080, अभी कल से ही वो प्रारंभ हुआ है और कल से रमजान भी शुरू हो जाएगा। तो सभी धर्मों के मानने वाले सभी को ऐसे तमाम त्योहारों की भी मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे सारी बातें कालीचरण सराप साहब ने कह दी, फिर धीरज गुजर जी ने भी कह दी, मुनेश जी ने कह दी, और जो कार्यक्रम के जो संयोजक हैं मनोज माथुर साहब और आशीष दवे जी ने मोटा मोटी रूप से ये यहाँ टूरिज्म सेक्टर में क्या राजस्थान में नया हुआ है, तो हमारे दोनों अधिकारी, हालांकि मैं ये समझता हूँ पूरी तैयारी के साथ आप नहीं आए, लेकिन फिर भी काफ़ी मोर एंड लेस आपने बता दिया। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं राजस्थान में, क्योंकि देखिए हर देश की प्रदेश की जिले की अपनी अपनी खासियत है, हर की, इसी क्रम में राजस्थान की भी अपनी एक खासियत है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर रहे, सदस्य रहे, उन्होंने एक बार अजमेर आरपीएससी में
जब ये आरएएस के इंटरव्यू चल रहे थे उस दरमियान उन्होंने एक पहल की और वो उन्होंने मेरे से शेयर की, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब तो वो हो गए, रिटायर हो गए, मैं उनका नाम भी कोट करता हूँ, शिवपाल सिंह जी नांगल। उनका कहना था कि धर्मेंद्र जी, मैंने आरएएस के जब इंटरव्यू लिए तो मैंने कुछ एक्सपर्ट्स, क्योंकि आरएएस के इंटरव्यू जब लेते हैं, अभी भी इंटरव्यू चलते हैं, तो एक्सपर्ट्स बुलाते हैं अलग अलग विषय के। तो उनका कहना था कि मेरी रुचि थी कि राजस्थान की इकोनॉमी कैसे ग्रो करे, राजस्थान की इकोनॉमी में क्या ऐसा करें, प्रमोट करें कि उसका कंट्रीब्यूट, मतलब वो और प्रमोट हो। तो उन्होंने पूरे देश के एक्सपर्ट्स जो बुलाए, पूरे देश के, और ख़ास तौर पे राजस्थान की इकोनॉमी के ऊपर, कि इसको ग्रो करने के लिए। उनका कहना था कि मैं पूरा दिन का जो उनका मंथन था, निचोड़ था, डिस्कशन था, उसका सारांश उन्होंने मुझे बताया। उसका ये था कि राजस्थान में जो खेती है, एग्रीकल्चर है, ये बहुत महंगी है। खेती राजस्थान के जो मौसम है, राजस्थान की जो मिट्टी है, राजस्थान की पानी की जो हालात हैं, उन सबको मिला के अगर खेती करते हैं तो खेती बहुत ही घाटे का सौदा है। और ख़ास तौर पे खेती में पानी जो काम में लेते हैं, वो पीने का पानी लेते हैं। तो उनका कहना था कि पीने का पानी खेती के लिए काम में लेना, उनके तो खैर जो शब्द मैं आपको अभी शेयर नहीं करूँगा, उनका कहना था, मेरा तो कभी बस चलेगा तो मैं तो कोर्ट में याचिका दाखिल करूँगा कि पीने का पानी खेती में काम में बहुत महंगा सौदा है। मतलब क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो है राजस्थान के लोगों को लिए ही पीने का पानी नहीं है, खेती का। तो उनका कहना था कि उन एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि खेती राजस्थान की जो इकोनॉमी के लिए, खेती राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थान के नौजवानों के लिए, वो मतलब फायदे का सौदा नहीं। राजस्थान के इंडस्ट्रियल जो माहौल है, या इंडस्ट्री कितनी की यहाँ डेवलप हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है, उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, अपन देखते हैं राजस्थान में। तो उन सारे एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन थी, एक सलाह थी, वो थी कि यहाँ टूरिज्म राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा है, टूरिज्म। और टूरिज्म का, क्योंकि राजस्थान का जो किले हैं, राजस्थान की जो बावड़ियां हैं, राजस्थान की शेखावट की जो हवेलियां हैं, राजस्थान में टेम्परेचर जो है वो 48-47 के आसपास भी हो जाता है, यानी प्रचंड गर्मी। और राजस्थान में सर्दी में टेम्परेचर माइनस में भी आ जाता है। राजस्थान में बरसात भी कई जगह बहुत ज़बरदस्त बरसात होती है, और राजस्थान में कई जगह बिल्कुल सूखा भी पड़ता है। राजस्थान में रेत के टीले भी ज़बरदस्त हैं, तो राजस्थान में कई जगह बर्फ भी गिरती है। ऐसा मैं अभी यूरोप जाके आया, स्पेन, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड गया, तो सभी लोगों से, चूंकि मैं टूरिज्म में हूँ, आरटीडीसी का चेयरमैन हूँ, तो मेरी दिलचस्पी भी है कि अपन यहाँ की रिसर्च करें। तो राजस्थान को, देश में जितने राज्य हैं, इंडिया को सब जानते हैं, लेकिन इंडिया के जो कितने राज्य हैं उनको वो लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन राजस्थान को सब जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात भी है। और राजस्थान में तो अगर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, हमारे यहाँ की आवभगत, हमारे यहाँ की मेहमान नवाजी जो राजस्थान की है वो नेचुरल है, जो हमारा टूरिज्म का एक स्लोगन भी है, पधारो हमारा देश। पहले सोन व्हील्स राजस्थान की, वो दुनिया की 10 लग्जरी ट्रेनों में एक ट्रेन है, पहले सोन व्हील्स। मैं अभी नई साल पहले सोन व्हील में ही, मैंने टूरिस्ट कितने हैं, वो इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, मैं खुद रहा
पांच दिन लगातार पहले सोनविल में, नई साल मैंने टूरिस्ट के साथ पहले सोनविल में बिताई। तो वो तजुर्बा मैं आपको वो भी शेयर कर रहा हूं कि टूरिस्ट ये कह रहे थे कि आपके जो कर्मचारी हैं आरटीडीसी के, ये इतने खिदमत करते हैं, ऐसी आवभगत करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं कि हमें इनको छोड़ने का मन ही नहीं करता है, मतलब यहाँ की। और जो दोबारा तीसरी बार जो पर्यटक उसमें थे कि जब आए, तो उनमें से एक दो का कहना यह था कि जब हम दिल्ली, ये ट्रेन दिल्ली से चलती है पहले सोनविल, दिल्ली से वो जयपुर आती है, जयपुर से सवाई माधोपुर, रणथंभौर टाइगर सेंचुरी दिखाती है, वहाँ से चित्तौड़, चित्तौड़ से फिर उदयपुर, उदयपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, और जोधपुर होते हुए फिर वाया जयपुर वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी दिखा के आगरा का ताजमहल, फिर दिल्ली। जब दिल्ली रुक लास्ट में वो टूरिस्ट वहाँ से उतरता है, तो कई टूरिस्ट तो इतने भावुक हो जाते हैं कि वो लिपट के हमारे जो कर्मचारी के वो रोने लग जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं उनको जब छोड़ के जाते हैं। तो हमारी ये जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की जो ये जो जितने भी इन सब चीज़ें, यहाँ टूरिज्म का बहुत बेहतर संभावनाएँ हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, जो अभी चंदेल साहब ने कहा, मैंने वहाँ बैठा बैठा इनसे पूछा, वो बता नहीं पाए कि उद्योग का दर्जा दिया राजस्थान सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला हुआ है। अब वो कैसा हुआ, ये टूरिज्म से जो जुड़े हुए लोग भी उसको सही एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चंदेल साहब, मैं आपका वापस ध्यान चाहूँगा, मैं आपसे सवाल ये किया था कि इंडस्ट्री का दर्जा देने के बाद, क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, फाइव स्टार होटल से लेके छोटी होटल तक के तमाम पदाधिकारी मेरे पास आए, हम मुख्यमंत्री जी के पास गए और ये फैसला किया। कितने सालों से डिमांड थी ये? 1989 से ये डिमांड थी टूरिज्म सेक्टर के, होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की, कि होटल को उद्योग का दर्जा दिया जाए। अब दर्जा दे दिया, लेकिन लोगों को पता नहीं कि दर्जे के बेनिफिट क्या हुए। सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ, मैं बता रहा हूं आपको, अगर कोई असहमत हो तो वो हाथ खड़े करके बताना, छोटी से छोटी होटल जो 20 कमरों की है, 20 कमरों की, उसको भी प्रति माह 20,000 प्रति महीने उसको फायदा हुआ है, सबसे छोटे होटल का बात कर रहा हूं। और जो फाइव स्टार होटल हैं उनको तो 8 लाख 9 लाख 10 10 लाख रुपए महीने का उनको फायदा हुआ है, बहुत बड़ा क्रांति। अब आप बताइए, अगर 20,000 महीना छोटी होटल का माननी है, अगर उसके बचा है तो कितना सपोर्ट हुआ उसको, वो दो कर्मचारी और ज़्यादा रखेगा, या दो कर्मचारी या तनख्वाह वो 20,000 रुपए से उसकी आमदनी बढ़ेगी, तो उसका होटल के प्रति और उत्साह बढ़ेगा। ये एक काम हुआ है जो राजस्थान में हुआ है, इस देश के किसी भी राज्य में नहीं है। किसी राज्य में है? किसी राज्य में नहीं है। दूसरा मैं बता रहा हूं कि जो अभी ग्रामीण पर्यटन इकाई, रूरल पॉलिसी जो लाई है सरकार टूरिज्म सेक्टर के लिए, ये क्या पॉलिसी है, ये आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए ये बात कर रहा हूं मैं आपको कि ये प्रॉपर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए दोनों अधिकारी। ये पॉलिसी वो पॉलिसी है, अगर आपके पास 2000 वर्ग मीटर जमीन है गांव में कम से कम, और मैक्सिमम 8 बीघा, 2 हेक्टर में 8 बीघा होती है, 8 बीघा जयपुर की बात कर रहा हूं मैं, अजमेर की अलग है, नागौर की बीघा अलग है, यानी मोटा मोटी 24,000 वर्ग गज, ये मानिए आप 2000 वर्ग मीटर से 24,000 वर्ग मीटर तक की जमीन अगर आपके पास है। अब से पहले ये होता था कि आपको कन्वर्जन के लिए और सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, अब आपको किसी सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैं सही कर रहा हूँ भाई, आपको केवल DOT में डायरेक्टर टूरिज्म ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिख के देनी है कि ये मेरी ज़मीन है, यहाँ मैं होटल या रेस्टोरेंट या जो भी आपका वो करना चाह रहा हूँ, 7 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर टूरिज्म आपको या तो परमिशन देगा, नहीं तो परमिशन दी हुई समझी जाएगी और आप होटल चला कर सकते हो।
और 10 साल तक के लिए उसका टैक्स फ्री है। अब उसका क्या बेनिफिट होगा? आप गांव में होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, और जो जो गांव में, जो शहरों में लोड आ गया होटलों पर, शहरों में इतना ज्यादा लोड आ गया है, वो लोड एक तो कम हो जाएगा, एक गांव के बच्चे जो माइग्रेट हो रहे हैं या गांव के बच्चे जो अपराध में जा रहे हैं, हर बच्चे के पास मोबाइल हो गया अलग अलग तरह के, तो इस पॉलिसी से गांव के बच्चों को रोजगार मिलेगा और जो बेरोजगारी फैल रही है वो रुकेगी। कहने का मतलब मेरा यही है, मेरी ये बात आपको इसलिए बता के कि अब सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को बहुत प्रमोट किया है और आने वाला टाइम राजस्थान का बहुत ही स्वर्णिम युग है। आने वाला टाइम राजस्थान में जितने भी टूरिज्म से रिलेटेड इंडस्ट्री है, मेरी एडवाइज है, मेरी सलाह है माननीय कालीचरण सराफ साहब, मेरा एक एक्सपर्ट ओपिनियन है कि अब आप सबको, हम सबको इस इंडस्ट्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट करना चाहिए। रही बात मीडिया की, इन्होंने बहुत अच्छी ये पहल की है और सामाजिक सरोकार आजकल सभी चैनल कर रहे हैं, तो मैं इस कार्यक्रम में, चूंकि आपका इतना तीसरी साल से कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं मानता हूं आपने बहुत मेहनत की है और उन लोगों को यहां सम्मानित होते देखा मैंने, जैसे हमारे ADM जयपुर दिनेश जी, मैंने दिनेश जी से पूछा तो कि ये मुख्यमंत्री कार्यालय में भी जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं तो इनको पुरस्कार दिया। मैंने बातचीत करी तो कि साहब मैंने जमीन के जो अलॉटमेंट्स हैं वो कंप्लीट अलॉटमेंट, यानी कि कोई भी पेंडिंग नहीं है मेरे यहाँ, तो वास्तव में हम भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बहन जो रिक्शा चला रही है, रिक्शा, वो कह रही मैं 1000 रुपये रोज कमा लेती हूँ। एक वो टूरिज्म से ही गाइड हैं, वो कह रहे हैं कि 13 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मैंने गाइडिंग कराई है। एक जो प्लास्टिक सर्जन थे वो कह रहे हैं कि सब कैंसर से जो विकृति, किसी का जबड़ा निकल गया, किसी का अंग खराब हो गया, उसको मैं ठीक करता हूँ और 7000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर दिए। मैं मानता हूँ कि जी न्यूज़ ने ऐसे ऐसे लोग जिनको वास्तव में हमारा, उनको कभी मिलने का अवसर शायद नहीं मिलता, तो ये बहुत बधाई देता हूँ आपको मनोज जी, और आपको साधुवाद देता हूँ कि जयपुर के ऐसे टैलेंट को आपने यहाँ इकट्ठा किया और इकट्ठा किया। हम भी सौभाग्यवान हैं कि इस कार्यक्रम में आ पाए और आपके माध्यम से उनसे हम रूबरू हो सके और उनको हम सम्मानित कर सके, तो बहुत अच्छा लगा हमें। और आपके जी न्यूज के ऐसे कार्यक्रम की हम बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप आगे भी ऐसे रचनात्मक काम, ऐसे सामाजिक सरोकार से जुड़े काम आगे और करते रहें। हालांकि इसमें आपने काफ़ी जो हमें थोड़ा वो भी लगा कि थोड़ा सा वो है ना, क्या कह सकता हूँ आपको, वो आपकी मजबूरी होगी, लेकिन थोड़ा इसमें एंटरटेनमेंट का पुट भी आगे आने वाले टाइम में थोड़ा अगर कर देंगे तो दर्शकों को क्या बोरिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा हमें, जब हम सम्मानित कर रहे हैं हम ही थोड़ा बोरिंग फील कर रहे हैं, तो आप भी कर रहे होंगे, इसलिए तो ये मेरा आपको सुझाव देके मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ। और पुनः आपके इस चैनल की और आपके जितने भी ये चैनल और फले फूले और आगे बढ़े और राजस्थान के, हमारे जो, मेरा कहना है कि राजस्थान की जो GDP है उसमें टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन और बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।